हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फुट पॉस्चर इन मैमल्स। तो मैमल्स में जो फुट के पॉस्चर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली उसको हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्लैंटीग्रेड, सेकंड इज़ डिजिटीग्रेड एंड थर्ड इज़ अंगुलीग्रेड। ओके, अब ये होती क्या चीज़ है तो उसके बारे में देखेंगे डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले प्लैंटीग्रेड क्या होते हैं, ऐसी लोकोमोशन ठीक है जिसमें होल फुट पूरा का पूरा जो पैर होता है ठीक है वो ज़मीन पे टच करता है, उसके सारे पार्ट ज़मीन को टच करते हैं, सरफेस को टच करते हैं। तो इस टाइप के जो लोकोमोशन होती है ठीक है या फुट पॉस्चर होता है इट इज़ कॉल्ड प्लैंटीग्रेड। क्या बोलते हैं इसको, प्लैंटीग्रेड, प्लैंटीग्रेड। तो ऐसा फुट पॉस्चर जिसमें फुट के सारे पार्ट्स ठीक है, चाहे वो उसके एंकल्स हैं, चाहे रिस्ट हैं, टोज हैं, फिंगर्स हैं, वो सारे के सारे टच करें ग्राउंड को, दे आर नोन एज प्लैंटीग्रेड। अब इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, लाइक सबसे पहले ह्यूमन बींग ठीक है, सबसे ईजी और सिंपल एग्जाम्पल ह्यूमन बींग। फिर आपके बबूंस ठीक है, मंकीस, वो भी इसके अंडर आते हैं। इसके अलावा कैंगरूज ठीक है, हेजहॉग हो गया, और रोडेंट्स ठीक है, बियर। तो रोडेंट्स, रोडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे मैमल्स ठीक है जो जिनके जो इंसीजर होते हैं, पेयर ऑफ इंसीजर दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग ठीक है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है, उनको बोलते हैं रोडेंट्स। और रोडेंट्स के एग्जांपल क्या होते हैं, तो रोडेंट जो रोडेंट्स होते हैं इसके एग्जांपल आते हैं आपके रैट्स ठीक है, रैट्स सबसे सिंपल और कॉमन। इसके अलावा स्क्विरल, ये भी रोडेंट्स की कैटेगरी में आती हैं ठीक है। तो ये थे प्लैंटीग्रेड टाइप के एनिमल। अब सेकंड हमारे पास आता है डिजिटीग्रेड ठीक है, सेकंड आएंगे डिजिटीग्रेड, डिजिटीग्रेड। तो ये क्या चीज़ होती है, इस केस में ओनली फेलेंजेस ठीक है, तो जो हमारे पास फुट होगा ठीक है तो उसकी सिर्फ जो फेलेंजेस होती हैं वो टच करती हैं ग्राउंड को, बाकी जो इसके एंकल और टोज होते हैं दैट रिमेन्स एलिवेटेड, मतलब ग्राउंड को सिर्फ ये चीज़ टच करेगी, ये चीज़ें थोड़ी उठी हुई रहेंगी सरफेस से ऊपर। तो इस टाइप की जो फुट पॉस्चर होता है इट इज़ कॉल्ड डिजिटीग्रेट ठीक है, डिजिटीग्रेट। और इसके एग्जांपल क्या आएंगे, तो इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे, देखो डॉग, कैट, ये ईजी है, वुल्फ वगैरह ये सारे इसके अंडर आएंगे, डॉग, कैट एंड वुल्फ। रिपीटिंग अगेन, व्हाट आर डिजिटीग्रेट, तो ऐसे एनिमल जिसमें जो उसके एंकल एंड रिस्ट होती हैं दैट स्टेज एलिवेटेड, वेयर एज द टोज एंड फिंगर्स दे टचेज द ग्राउंड, तो उनको बोलते हैं डिजिटीग्रेट। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा डॉग्स, कैट्स एंड वुल्फ्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्ड ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड अंगुलीग्रेट ठीक है, अंगुलीग्रेट। तो इसके अंदर क्या आता है, अंगुलीग्रेट में ओनली हूफ ठीक है, जो हूफ होता है ठीक है, टिप ऑफ वन और टू डिजिट उसको बोलाता है हूफ, तो सिर्फ हूफ जो होता है वही ग्राउंड को टच करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो काउज होते हैं उनके जो ये देखे होंगे ठीक है, फुट देखे होंगे, तो उसको बोलाता है हूफ। तो उसके यहाँ जैसे से पीछे से जो लटके होते हैं वो हवा में रहते हैं ठीक है, तो सिर्फ एक या दो उनके टोज जो होते हैं वो ग्राउंड को टच करते हैं। तो इस टाइप की जो फुट पॉस्चर होता है इट इज़ कॉल्ड अंगुलीग्रेट ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या कहते हैं, तो इसका सबसे सिंपल और इजी एग्जांपल आ गया हमारी काउ, सेकंड आ गया हॉर्स, थर्ड है डियर ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप, दैट इज़ अंगुलीग्रेट। इस केस में क्या होगा, सिर्फ हूफ एक या दो टो वही ग्राउंड को टच करते हैं ठीक है, और एग्जाम्पल इसके हो गए हॉर्स, काउ, डियर एटसेट्रा। अब नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाए ठीक है, तो ये रहा इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, मंकीज आर ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम, मंकीज आर क्या होते हैं, ऑप्शन डिजिटीग्रेड, प्लैंटीग्रेड, अंगुलीग्रेड और ब्रेडिपस ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, आंसर क्या आएगा, होपफुली ट्राई करो गैस करने की क्या आएगा इसका आंसर। तो मंकीज ह्यूमन बींग ठीक है, और रोडेंट्स ये सारे क्या होते हैं, प्लैंटीग्रेड। होपफुली आपको आंसर आता होगा इसका। सो गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, थैंक्स।